दुनिया में सब व्यर्थ पर टिका है, बस बाप और बेटी का रिश्ता प्यार पर टिका है। इन्हीं शब्दों को बयां कर रहा है एक इमोशनल वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पिता को खोने के बाद जब बेटी की शादी हुई तो उसके परिवार ने मंडप में पिता के मोम का पुतला रख दिया, जिसे देख कर बेटी चौंक गई और पुतले से लिपट कर रोने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पिता के पुतले को देख कर बेटी भावुक हो गई। इस दौरान सभी रिश्तेदारों की आंखें नम हो गई और परिवार के सदस्य पुतले के साथ फैमिली फोटो खिंचवाने लगे। यह मामला तमिलनाडु के कलकुरिची जिले के थाना कानंदन गांव का है। दरअसल मार्च में 56 साल के सेल्वेज की कोरोना से मौत हो गई थी। वे अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना सपना ही रह गया। सेल्वेज की मौत से उनका पूरा परिवार बिखर गया, खासकर वह बेटी जिसकी शादी जून में होनी थी। पिता को खोने के बाद बेटी इस गम से निकल नहीं पा रही थी। इस बीच परिजनों ने कुछ अलग करने की सोची। बेटी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए बेटी की मां ने 5 लाख रुपए खर्च करके उसके पिता की मोम की मूर्ति बनवाई। अचानक बेटी ने अपने पिता के पुतले को देखा तो वह भावुक हो गई और अपने पिता के पुतले को देखकर चौंक गई और काफी देर तक उनको निहारती रही और पुतले के पास बैठकर रोती रही। शादी का यह नजारा वाकई भावुक करने वाला था। घर के मुखिया के प्रति इतना प्यार देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें बेहद नम हो गईं।